नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ वनेश सुनील कुशवाहा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों मैं अभी काफ़ी घने जंगल में हूँ और ये एक रास्ता है, ठीक है। तो पहले तो स्वागत है आपका। और देखिए आप लोग कहोगे कि सर आप ये सेविंग क्यों नहीं करते, क्योंकि अभी कड़वे दिन चल रहे हैं और कड़वे दिन में आपको पता है कि हिंदू हम लोग जो है वो सेविंग वेविंग नहीं बनाते, तो ये बस यही रीज़न है। बाकी जंगल तो काफ़ी खूबसूरत है, बरसात जल चुकी है, जो नदियों का पानी था वो भी लगभग ठहर के चलने लगा है, ठहर के, और जो डैम वगैरह थे वो भर के बिल्कुल, जो पानी था बिल्कुल साफ़ हो चुका है। क्योंकि जब बरसात होती है तो पानी आता है तो पानी गंदा रहता है, लेकिन जब बरसात ख़त्म हो जाती है उस टाइम पानी रहता रहता है तो गंदगी नीचे बैठ जाती है, बिल्कुल पानी बिल्कुल साफ़ होता है। ये वही टाइम है। हवा जो है काफ़ी सुंदर चल रही है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। और जब मैं जंगल में आता हूँ और इतनी शांति मुझे मिलती है तो आधा जो मेरी दुख दुख टेंशन तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आज दोस्तों मैं आपको जंगल में लेकर आया हूँ और मैं आपको आज एक बहुत ही प्यारी प्यारे पेड़ के बारे में बताता हूँ, जो कि हमारे इंसानों के लिए वरदान है। देखिए जब भी इंसानों ने यहाँ पर पृथ्वी पर जब विकास किया तो उसमें सबसे जो मेन योगदान था वो पेड़ पौधों का ही था। तो आज मैं आपको एक ऐसा पेड़ दिखाने वाला हूँ जो शायद आपने देखा बहुत बार होगा, लेकिन इसके जो खूबी है वो आपको पता नहीं होगी। आप ये देखिए, ये मेरे पीछे पेड़ है। इस पेड़ का नाम जो है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। ये पेड़ देखिए, यहाँ देखिए नीचे टहनी है और ये देखिए टहनी टूट के गिरी है ऊपर से, ठीक है। इस पेड़ में जैसे जैसे ही आप इसको जैसे आप खरोचोगे ना, तो इसमें से हल्की सी गम टाइप की निकलती है। देखिए यहाँ से अब गम निकलने लगेगी, मतलब ठीक है, गम मतलब गोंद निकलने लगेगी, गोंद जिसको बोलते हैं। तो उसका यूज़ क्या है, उसका यूज़ मेडिसिन प्लांट है ये, उसका यूज़ मेडिसिन बनाने में होता है, ठीक है। और इसकी जो लकड़ी होती है, जैसे ये पेड़ है, टहनी है, ठीक है, और इस टहनी को आप यहाँ से लकड़ी को तोड़ के, इसको ये देखिए तोड़ ली मैंने, और इसको यदि आप अपने पास रख लोगे तो ऐसा बोला जाता है ये पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है आपके घर में, कभी लड़ाई नहीं होगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी, ठीक है। और इसकी जो खुशबू है दोस्तों, इसकी जो खुशबू है वो काफ़ी मनमोहक है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। तो दोस्तों मुझे आपको ये पेड़ बताना था। और आप देखिए मेरे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे पेड़ खड़े हुए, ये देखिए जिस चारों तरफ ये सलई के पेड़ हैं, इसको सलैया बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसका नाम क्या है, सलैया। ओह माय गॉड, बहुत ही प्यारा पेड़ है। वैसे इसकी लकड़ी मजबूत कम होती है, लेकिन इसकी जो लकड़ी, इसकी लकड़ी, इसकी गोंद, इसकी जो छाल है, ये काफ़ी मेडिसिन का काम करती है, मेडिसिन प्लांट है। तो दोस्तों इसके बारे में मुझे आपको बताना था, और जंगल में जब भी मैं आऊँगा आपको कुछ ना कुछ नया बताता रहूँगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा यदि आपको ऐसी नई नई चीज़ें देखनी हो तो, क्योंकि जंगल काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ आप जिस जगह देख रहे हो ना, हो सकता है आदमी यहाँ तेंदुए हदुए सब लोग यहाँ तेंदुए शेर वाली वगैरह यहाँ आके यहीं से निकलते हैं, विचरण करते हैं, बैठते हैं, और ये गश्त करने का ट्रैक है, यहाँ से हम लोग आते जाते रहते हैं। दोस्तों मस्त रहिए, सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा सुनील कुशवाहा ब्लॉग के साथ। गुड डे, जय हिंद, जय भारत।